मैं हूँ आपके साथ राकेश चावला। हम लोग दिल्ली से चले थे और हम पहुंचे मुरैना। मुरैना गांव के अंदर है, इसमें जो ये पड़ता है अंबा रोड बाईपास, वहाँ पे हम यादव ढाबा, एक मशहूर ढाबा यहाँ पे बताया जाता है, एक मशहूर ढाबा है यहाँ। और आप देख सकते हैं मशहूर ढाबा आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, लोग हैं। हमने कुछ लोगों से बात भी की है सीए को लेके, जो मोदी सरकार ने एक बिल पास किया, तो सीए को लेके हमने बात की लोगों की राय जानी। लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि बिल अच्छा है, कुछ एक दो लोगों ने उन्होंने बताया कि बिल जो है समर्थन में नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं, आगे चलते हम दिखाते हैं आपको ढाबे के बारे में। थोड़ा सा बताए थे हमारे ढाबा खुला हुआ है, खाना काफी अच्छा यहाँ मिलता है। और उसमें जो है आप आगे चलेंगे तो काफी सुविधाएं आपको दी गई है, अंदर आपको सुविधा दी गई है। दिल्ली में कई सुविधा मेरे ख्याल से नहीं मिलती है, वो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मिलती है। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश जी, आपका ये ढाबा जो है, यहाँ पे कितने लोग कम से कम आते हैं सर? हमारे यहाँ कम से कम 150 लोग, तभी शुरुआत हुई है, हमको एक महीना हुआ है बैठे करीबन। हम 10 टेबल अरेंज करते हैं और अभी शुरुआत है, स्टाफ है हमारे पास 20 आदमियों का स्टाफ है। तो धीरे धीरे व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को डिमांड होती है उस तरीके से लोगों को खाना दे रहे हैं। किस तरीके सर खाना जो यहाँ आप मतलब बनाते हैं, कैसे? हम क्या है, दोनों तरह का वेज नॉन वेज दोनों है। वेज के लिए किचन हमारे पास अलग है, नॉन वेज के लिए अलग है। और वेज वालों को वेज देते हैं, नॉन वेज वालों को नॉन वेज देते हैं। हमारे पास कारीगर भी दो अलग अलग हैं, वेज वाला अलग है, नॉन वेज वाला अलग है। ऐसी कोई समस्या भी नहीं आती वेज वालों को कि नॉन वेज से कोई दिक्कत हो। जो दिल्ली से मेरे साथ आए हैं और इनसे भी बात करेंगे। सर, आप यहाँ पे आए मुरैना में, तो कैसा आपको लग रहा है इस समय? आदेश जी, बहुत बढ़िया और एकदम से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा लगा यहाँ के खाना खाया, एकदम देसी खाना है, बहुत अच्छा। ऐसा ढाबा मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा ढाबा होगा ग्वालियर और आगरा के बीच में, लेकिन ये यादव दा ढाबा जो हमारे जो जिसने भी खोल रखा है वो एक नंबर का खाना है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी आए एक बार रुके, चाहे पानी ही पिए, चाय पियो पानी पियो, एक बार रुक के जाए। ये अंबा बाईपास पे है मुरैना के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए अच्छा। हमने बात की, टिकम जी भी थे यहाँ पर और भी भाई हैं, ये भाई हैं यहाँ खड़े हैं, एक मिनट इधर आइए मेरे दोस्त, बात करिए। ये यहाँ पे यादव ढाबा है, कैसा आप खाना यहाँ खाते, कैसा लगता है? बढ़िया मिलता है यादव ढाबा पे। अच्छा, बाईपास पे अच्छा खाना मिलता है। ये कौन सी जगह लगती है सर? ये यादव कॉलोनी। अच्छा, खाना आप खाते हैं यहाँ पे, कैसा लगा? खाना खाते हैं, हम भी गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहीं खाना खाते हैं। अच्छा, आप मेरे दोस्त आते हो यहाँ पर, कैसा आपको मतलब खाना खाते हैं? अच्छा अच्छा बनता है। आप मेरे दोस्त एक मिनट रुकिए, बाइक पे हमारे भाई कुछ हैं यहाँ, इनसे भी बात कर लेते हैं एक बार, देखते हैं। मेरे दोस्त आप यहाँ आते हो, यादव एक ढाबा खुला है यहाँ, यहाँ किस तरह खाना आपको मिलता है मेरे दोस्त? अभी तक तो मैं यहाँ खाना खाने आया नहीं हूँ, पर व्यवस्था देख के लगता है कि अच्छा ही मिलता होगा। अच्छा खाना मिलता है लोकल में, तो अपन यहाँ पे मतलब आया तो पर्यटक आएंगे वो बताएंगे। अच्छा, उससे बेटर तो कभी वो खा चुके होंगे। चलो ठीक ठीक भाई, आप बताइए कैसा खाना आपको मिलता है? बढ़िया मिलता है। खाया आपने? महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है? सही, बीच के मेरे का मिलता है। अच्छा, प्योर खाना मतलब बढ़िया खाना मिलता है यहाँ। चलिए ठीक है, ठीक। हमने बात की अभी इनसे के यादव ढाबा है यहाँ पर, जो अम्बा बाईपास रोड पर है। आप आइए कभी यहाँ खाना खाइए और काफ़ी आपको आनंद भी मिलेगा, तसल्ली से रह सक। अच्छा देखिए, हमने अभी बात की इनसे, भाई से भी बात की, इन्होंने ढाबा ही अभी कुछ ही समय हुआ है और इतने समय में इतने लोग यहाँ आते हैं, खाना काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं भी चाहूँगा एक बार आप आएँ और यहाँ खाना खाएँ यादव ढाबा पर। मिलते हैं जिस दिन आएंगे, खाना खाएंगे जब बताएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।